हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। सो एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसकी पावर वन हो, उससे दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सो जनरल फॉर्मूला इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हियर यू कैन सी x and y, they are two variable, and a, b, c, they are real numbers, so that means they are called constant. So now we can see in variable x and y, power of x is 1 and power of y is also 1, so that means they are linear equation. Now examples, 3x minus 4y plus 12 equals to 0. You can see यहाँ x एंड y दो वेरिएबल है एंड x की पावर क्या है 1, y की पावर इज ऑल्सो 1, सो दैट मीन्स दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड, 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। यहाँ पर भी m और n दो वेरिएबल है, m का पावर 1 है, n का पावर ऑल्सो 1, सो ये लीनियर इक्वेशन है टू इन टू वेरिएबल। थर्ड वन, 7x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं x एंड y दो वेरिएबल है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, सो दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी x का पावर 1 है, y का पावर ऑल्सो 1, सो दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ अब हमें पता करना है कि जो नीचे इक्वेशंस आएंगे लीनियर इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट वन, 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हम देख सकते हैं x एंड y दे आर टू वेरिएबल एंड x की पावर क्या है 2। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर x की पावर 2 है, सो दे आर नॉट इन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वन, रूट 2x माइनस रूट 5y इक्वल्स टू 16। यहाँ पर हम देख सकते हैं x एंड y दे आर टू वेरिएबल एंड x की पावर क्या है 1, y की पावर ऑल्सो 1, सो दैट मीन्स दे आर लीनियर इक्वेशन। हमें x और y पे ही ध्यान देना है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं पर ही ध्यान देना है, नंबर पे नहीं। नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। थर्ड वन, 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल्स टू 4। जैसा कि थर्ड वन में दिया है 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल्स टू 4, तो अब हम इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे, तो कैसे आएगा, 4 अपॉन x को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन वाई। सो इट बिकम्स 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई इज टू 4। नाउ अब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू एन ले लेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, 1 अपॉन एक्स के प्लस पे एम एंड 1 अपॉन वाई के प्लस पे एन को सब्सटीट्यूट कर देना है। सो इक्वेशन बिकम्स 4m प्लस 5n इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं x एंड y दो वेरिएबल हो गए, बट यहाँ पर फर्स्ट वन में x एंड y दोनों साथ में है, तो इसका मतलब दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 1 और y की पावर 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो गया। नेक्स्ट, रूट एक्स माइनस 5 रूट वाई इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं x एंड y दो वेरिएबल है, लेकिन x क्या है रूट में है एंड y भी रूट में है, तो रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो x की पावर 1 अपॉन 2, y की पावर भी 1 अपॉन 2। हमने लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा कि पावर 1 होनी चाहिए, न तो 1 से ज़्यादा न तो 1 से कम, तो यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर 1 अपॉन 2 है, y की पावर भी 1 अपॉन 2 है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। अब हम साइमल्टेनियसली एग्जांपल सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सो मेथड नंबर वन क्या है, सबसे पहले हम दोनों क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे, तो वाई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 8 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ अब हम यहाँ देख सकते हैं 5x, पहले x को देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। इक्वेशन 1 में x के पास का जो नंबर है 5 है, इक्वेशन नंबर 2 में x के पास का नंबर 3 है,
अब वाई का देखते हैं। इक्वेशन वन में वाई के पास 3 है, इक्वेशन टू में वाई के पास कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। कुछ जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टर्म को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी भी एक टर्म को सेम करना पड़ेगा, चाहे एक्स को सेम करे चाहे वाई को सेम करे। तो हम एक्स को भी कर सकते हैं वाई को भी कर सकते हैं। एक्स को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जो दोनों इक्वेशन का एक्स सेम हो जाना चाहिए। सो इसके लिए इक्वेशन टू में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन वन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाई को देखते हैं तो इक्वेशन वन में वाई के पास 3 है और इक्वेशन टू में वाई के पास 1 है। तो 1 और 3 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब इक्वेशन वन में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इक्वेशन टू में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन टू में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 × 3। सो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9x प्लस 3 × 9 क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3 × y 3y इक्वल्स टू 3 × 2 = 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 को, इक्वेशन 1 में y के पास 3 है, इक्वेशन 3 में y के पास भी 3 है, दोनों सेम सेम हो गया। अब हम देखते हैं साइन पे, इक्वेशन 1 में y का साइन क्या है, माइनस में, इक्वेशन 3 में y के पास प्लस में। तो ऐसे केसेस में जब साइन अलग अलग होता है तो हम उस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अगर साइन दोनों सेम रहेगा तो इक्वेशन को माइनस करने का। आई रिपीट अगेन, जब भी किसी भी टर्म के पास साइन अलग अलग रहेगा तो हम उसे प्लस कर देंगे, इफ़ देर इज साइन डिफरेंट देन वी गो विद माइनस। सो नाउ हियर इक्वेशन 1 और 3 दोनों के पास अलग अलग साइन है, सो हम उसे प्लस कर देंगे सिंपली। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, सो हम इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 3y प्लस 3y ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड 5x प्लस 9x ये अगर उसको हम प्लस कर देंगे तो 14x आ जाएगा, और 8 प्लस एक्स ये 14 आ जाएगा। अब हमें x कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x को ये रखेंगे, 14 को मूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14/14। अब नेक्स्ट 14 को 14 से कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब जो हमारा x का वैल्यू आया उस वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1, 2 या 3 किसी में भी। सो हम x के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें क्वेश्चन नंबर 2 में, सो तो इक्वेशन नंबर 2 इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब हमें x यहाँ पे क्या 1 सब्सटीट्यूट करना है, सो क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो 3 × 1 दैट मीन्स 3 × 1 = 3 प्लस y इक्वल्स टू 2। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो y कैलकुलेट करने के लिए 3 को इक्वल्स टू के अदर साइड में मूव करेंगे, सो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 − 3। सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 − 3 दैट मीन्स -1। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है, तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसके लिए माइनस आ जाएगा। सो देयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज रिटन एज x कॉमा वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 1 एंड y का वैल्यू -1। नाउ इट्स टाइम फॉर मेथड नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें भी हम दोनों इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब हमें मेथड 2 में क्या करना है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें किसी भी एक इक्वेशन को, फर्स्ट वन को या सेकंड वन को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसमें y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमने इसमें इक्वेशन नंबर 2 का एज्यूम किया है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y को यहीं रखेंगे और x को दूसरी तरफ मूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 − 3x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर जो 3 का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 इज 5x − 3y = 8। अब हमें इसमें क्या करना है, y की जगह पर 2 − 3x सब्स्टिट्यूट करना है, सो क्या हो जाएगा, 5x − 3 × 2 − 3x, y के जगह क्या हो गया, 2 − 3x।
अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 इंटू 2 3 टू जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो अब हम 5x प्लस 9x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14x माइनस 6 इक्वल्स टू 8। अब हमें x कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले वेरिएबल x ऐड कर देंगे, कांस्टेंट x ऐड। सो क्या हो जाएगा, 14x इक्वल्स टू 8, 6 माइनस में है, मूव कर देंगे उसको दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 6। सो 14, अब 8 प्लस 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14। सो 14x इक्वल्स टू 14 हो गया। अब x कैलकुलेट करना है, हम 14 को भी दूसरी तरफ मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 अपॉन 14। नाउ 14 वन जा 14, सो x वैल्यू 1 आ गया। प्रीवियस मेथड में भी x का वैल्यू 1 आया था, इसमें भी x का वैल्यू 1 आया। दोनों किसी भी हम मेथड से करेंगे वैल्यू सेम ही आएगी। नाउ x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा है y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें x के प्लेस पे 1 रखना है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x है, 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 वन जा 3, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 हो गया। सो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज रिटन एज x कॉमा y, x का वैल्यू 1, सो x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू माइनस 1।